बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अर्शदान, आप देख रहे हैं एजी जॉब स्पीक है। आपको जो मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब आ चुकी है और बहुत से ज़्यादा तादाद जॉब्स हैं और इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा और इसका अप्लाई करने का और आप कहाँ से इसका फॉर्म हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की नई नई जॉब की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल होती रहे और आप बर वक्त अप्लाई करते रहे। तो चलो शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या जॉब है। और इसमें जो पहले नंबर पर है, असिस्टेंट सेक्रेटरी रेवेन्यू वीवीएस 17 है, 5 सीट है, केपीके पंजाब सन में है और इसकी एज लिमिट जो है 25 से 30 साल है और 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है। इस तरह कैंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल बीबीएस 17 है, इसमें 11 पोस्ट है और पंजाब सिंध रूरल अर्बन बलूचिस्तान और इसकी एज लिमिट 25 से 30 तकरीबन 35 साल इसके लिए है। इस तरह तीन नंबर पर है, मैनेजर आईटी है, 3 सीट है, पंजाब और केपीके के लिए है और इसकी 25 से 30 35 साल 5 साल इसकी रियायत है, 35 साल इसकी एज लिमिट है। चार नंबर पर है, इसमें मेडिकल ऑफिसर 70 सीट है, मेरठ 5 है और पंजाब 35 सीट है और केपीके 8 सीट है और बलूचिस्तान 4 सीट है, फाटा 2 सीट है। तो इसके लिए भी 25 से 30 साल और 5 साल रिलैक्सेशन से। और लोअर इसमें पांच नंबर लोअर ऑफिसर है, बीबीएस 17 है, 11 सीट है और मेरठ 1 है और पंजाब 6 है और केपीके 1 है, बलूचिस्तान 1 है, सारे 1-1 है और 25 से उसके लिए भी ये 35 साल रिक्वायर्ड है। 6 नंबर पर है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी बीबीएस 16 है, 14 सीट है, मेरठ 1 है, पंजाब 7 है, केपीके 2 है और बलूचिस्तान 1 और सन 2 और सन अर्बन 1। इसके लिए 22 से 28 साल ईयर्स है और 5 साल इसकी रियायत है। 8 नंबर पर असिस्टेंट रेवेन्यू सब असिस्टेंट लैंड सब और असिस्टेंट ऑफिस सब असिस्टेंट अकाउंट बीबीएस 14 है, 21 सीट है, मेरठ 2 है और पंजाब 11 है और सन रूरल 2 है और सन अर्बन 2 है और केपीके 2 है, बलूचिस्तान 1 है, फाटा 1 है। इसके लिए 18 से 25 साल इसकी जो एज रिलैक्सेशन है और 5 ईयर इसके लिए एज रिलैक्सेशन है। 9 नंबर पर है, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर 14 और 10 सीट है, मेरठ 1 है, पंजाब 5 है और सन अर्बन 1 है, सन रूरल 1 है, केपीके 1 है, बलूचिस्तान 1 है। 18 से 25 साल इसकी एज रिक्वायर्ड है और प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन है। इस तरह 10 नंबर पर कैंट और सीर है, सिविल इलेक्ट्रिकल है, मेरठ 1 है, पंजाब 10 है, सन 1 है और इसके लिए 18 से 25 साल प्लस 5 साल रियायत है। और इसलिए रिसेप्शनिस्ट जो है बीबीएस 12 है और 25 सीट है और 18 से 25 साल और प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। कंप्यूटर ऑपरेटर बीबीएस 12 है और 11 सीट है और इसके लिए 18 से 25 साल प्लस 5 साल रिलैक्सेशन है। सर असिस्टेंट गार्डन सब है बीबीएस 12 है, 6 है और इसलिए 18 से 25 साल प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। यूडीसी बीबीएस 72 सीट है, 5 मेरठ है, 35 पंजाब और 5 अर्बन, 5 8 रूरल और केपीके 8 सीट है, बलूचिस्तान 4 है, फाटा 2 है, जीबी 2 है, एके 2 है। इसके लिए 18 से 25 साल और प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। इस तरह 15 नंबर पर जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर है, 30 सीट है, मेरठ 2 है और पंजाब 15 है और केपीके 3 है और बलूचिस्तान 2 है और इसके लिए 18 से 25 साल ईयर्स प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। और इसकी जो 29 जून लास्ट डेट है और इसका जो फॉर्म आप इसकी जो पब्लिशमेंट हुई है वो 14 जून को हुई है और इसके बाद आप 20 दिन काउंट करें तो इसकी लास्ट डेट 29 तारीख बनती है। और इसका जो ये www.uts.com.pk पे इसका फॉर्म आप हासिल कर सकते हैं और HBL बैंक में और हबीब HBL बैंक में इसकी जो बैंक चालान का फीस है वो जमा करवा सकते हैं। तो इसका फॉर्म आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे आने के बाद आप लिखेंगे इधर UTS, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह मेन्यू ओपन होगा। मेन्यू ओपन होने के बाद आप पहले नंबर पर देख रहे
सेल टेस्टिंग सर्विस होम, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यूटीएस का इस तरह मेन्यू ओपन होगा, तो आप नीचे स्क्रू डाउन करेंगे तो इधर ये देख रहे हैं मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट MLC, तो आप लास्ट पे आएंगे MLC एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर, ये एडवर्टाइजमेंट है, और अप्लाई मैनुअल डाउनलोड क्लिक हियर, ये उसकी मैनुअल है, और अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर, इसकी ऑनलाइन अप्लाई है, तो इसके आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। ये उस ये अप्लाई कर सकते हैं। इधर आप अपना CNIC नंबर देंगे और पासवर्ड देंगे, और अगर और बैंक का चालान वो आपने लाजमी जमा करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका दर्ज झेल आप यहां से उसके वीडियो भी देख सकते हैं, और बैंक का चालान आप इस तरह से जमा भी कर सकते हैं, फॉर्म भी हासिल कर सकते हैं। फॉर्म हासिल करना बहुत आसान है, आप इधर क्लिक करेंगे, ये देखिए उसका फॉर्म है, ये इसका फॉर्म है, ये देख रहे हैं, इसमें लास्ट में बैंक का चालान है, तो इसको आप फिल करके बैंक HBL बैंक या UBL बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो यही तरीका है, बहुत आसान तरीका है। तो इंशाल्लाह दोबारा इस तरह की नई जॉब की वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अभी इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।